हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा सेशन है वो निमसेट 22 स्टूडेंट के लिए है, साथ ही 23 24 के लिए भी सेशन काम का है। 8 मंथ का टाइम है, क्या 8 मंथ में हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। लास्ट मंथ मैंने एक सेल्फ स्टडी सेशन पे एक प्लान डाला था, मैंने आज अब आपको बोला था कि हर मंथ मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा और किस ढंग से आप प्रिपरेशन करते चलें कि टाइमली आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो ये जो 8 मंथ है, आप मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, मन में था कि निमसेट करना है या एमसीए करना है, उनको भी मैं बोलूंगा कि अभी भी आपके पास मौका है। अगर निमसेट की बात करें तो अगर 6 से 12 महीने, मतलब लगभग 6 to 12 मंथ, अगर कोई बच्चा सिंसियरली ऑनेस्टली मेहनत कर ले तो बिल्कुल पॉसिबल है कि वो एक अच्छी रैंक दे सकता है। और इसका प्रूफ तो आपके सामने है ही, क्योंकि इस साल के जितने बच्चे मैंने रिजल्ट डाले हैं वो आप जब उनके इंटरव्यू सुनते होंगे, अगर नहीं सुने तो जरूर सुनिए। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 6, 8, 9 मंथ में प्रिपरेशन करके ना केवल रैंक दी, एनआईटी त्रिची, सूरत कल, इलाहाबाद, कैलीकट जैसे कॉलेज में एडमिशन भी लिया। और मैं उन सभी बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा जो निमसेट जिन्होंने 21 दिया था और अच्छी रैंक नहीं आई, अब क्योंकि सारे एग्जाम हो चुके हैं और अगर आपका ड्रीम एनआईटी ही है और क्योंकि अब सारे एग्जाम भी हो गए, रिजल्ट भी लगभग आ गए, तो अब आप ये प्लान कर सकते हैं। और आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया तो आपको पता है क्या करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस अक्टूबर मंथ में हमें क्या पढ़ना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 5 चीजें हैं हमारे पास जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1, सेल्फ स्टडी प्लान। नंबर 2, कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो क्या करना है, ऑनलाइन या क्लासरूम या पेन ड्राइव कोर्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि इम्पिटस गुरुकुल ने एक नई चीज तो कर दी है, और वो है नई चीज कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि 6 महीने में भी निमसेट की प्रिपरेशन करके रिजल्ट लाया जा सकता है। आज जो इम्पिटस गुरुकुल के रिजल्ट है वो रिजल्ट ये बता रहे हैं। इसलिए मैं आपको सभी को ये बोलूंगा कि जो जो मैं रिजल्ट डाल रहा हूं वो आप जरा ध्यान से सुनिए। हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग है, हर बच्चे ने अलग अलग कंडीशन में पढ़ाई की है, यानी ये वो रिजल्ट है जो इंडिया का बेस्ट रिजल्ट है, नंबर 1 रिजल्ट है। और सबसे खास बात यह है कि जो ये दावा कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट इंडिया में नंबर 1 है, वो खुद भी इम्पिटस के रिजल्ट से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए आप देखिए जरा ध्यान से, अगर सही में उनका इंडिया का नंबर 1 रिजल्ट होता तो शायद उनके पास समय ही नहीं होता किसी और इंस्टीट्यूट के लिए बात करने का। पर अगर वो नॉन स्टॉप इम्पिटस की बात कर रहे हैं, यानी इम्पिटस ने वो कर दिया जिससे शायद उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि अब तक ये बोला जाता था कि 2 साल, कम से कम 1.5 से 2 साल एक हॉल में 15 घंटे बैठ के, जब तक इन 10 बुक के क्वेश्चन नहीं रटोगे रैंक नहीं आएगी। वो कंसेप्ट चेंज हो गया, क्योंकि इम्पिटस गुरुकुल का भरोसा है, बिलीव है कि अगर आप अच्छे से कंसेप्ट बना के पढ़ाई करेंगे तो 6 से 8, 10 महीने में भी आप अच्छी रैंक दे सकते हैं। और इसका प्रूफ मुझे, मैं बोलता था अब तक वो तो ठीक है, अब कोई और भी बोल रहा है वो आप सुन सकते हो, आप अच्छे से समझ सकते हो। कई बार ऐसा होता है, आपने एक चीज देखी होगी शायद कि एक एकेडमी है जो कंटिन्यूअसली इम्पिटस के बारे में आपको बता रही है और जहर उगल रही है, वो किस ढंग से उगल रही है वो आप देखिए और किसका कारण क्या वो समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए इम्पिटस गुरुकुल ने कुछ नहीं किया होता ना, तो इम्पिटस गुरुकुल का नाम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती किसी को। पर इम्पिटस गुरुकुल ने ना केवल रिजल्ट दिए बल्कि बच्चों की सोच में परिवर्तन ला दिया, यानी आप घर पर रह के भी पढ़ सकते हैं। इम्पिटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज क्या है, ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाएंगे। मोदी जी के पहले बहुत लोगों ने गवर्नमेंट चलाई, पर जो काम पिछले 40 साल में इंडिया की प्रोग्रेस में नहीं हुआ वो पिछले 7 साल में मोदी जी ने कर दिखाया, और वो आपके सामने है। हमारी प्रोग्रेस, इंडिया का रुतवा, सब कुछ आपको दिख रहा है। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की तो अपोजिशन वालों ने प्रूफ मांगा कि भाई हमको प्रूफ दो कि आपने एयर स्ट्राइक की, तो मोदी जी ने एक ही बात बोली, बहुत अच्छी, प्रूफ देखना है तो एक बार पाकिस्तान के न्यूज चैनल देख लो, प्रूफ मिल जाएगा, वो खुद ही बता रहे हैं। वैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि इम्पिटस गुरुकुल के रिजल्ट जो है ना, वो इम्पिटस गुरुकुल तो बोलते ही था, दिखा भी रहा उनके इंटरव्यू भी, पर दूसरे इंस्टीट्यूट भी बता रहे हैं आपको। इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता। कोई खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि कोई बच्चा 6 महीने में पढ़ के कैसे रैंक ला सकता है, खुद ही बोला जा रहा है। सोचिए आप कि बच्चे सेल्फ स्टडी करके इम्पिटस की टेस्ट सीरीज की हेल्प से और सेल्फ स्टडी यूट्यूब के वीडियो देख के, जिस मैजिकल कोर्सेज के बारे में बात की जा रही है, वो मैजिकल कोर्स अपने आप में कंप्लीट कोर्स है, उस कोर्स को पढ़ के, उस टेस्ट सीरीज को करके बच्चा रैंक ला सकता है, ये कितनी बड़ी बात है। और ये सब आपके सामने है।
और एक चीज और, इम्पिटस गुरुकुल मैं कुछ समय तक इसलिए रुका रहा इस बार, क्योंकि जब कोई का चेहरा जब अपने पता नहीं चलता, जैसे अभी बीजेपी ने जो 7 साल में काम दिया ना करा ना, वो आपके सामने बोलते रहे, लोग बोलते रहे कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। वो चौकीदार जब रिजल्ट आया दोबारा इलेक्शन का, तो आपके सामने फिर से पीएम बने और फिर से अच्छा काम कर रहे हैं। इम्पिटस गुरुकुल भी क्लासरूम बच्चों को, ऑनलाइन बच्चों को, पेनड्राइव स्टूडेंट को, टेस्ट सीरीज, मैजिकल कोर्स, हर बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। और शायद यही तकलीफ सबसे बड़ी है, क्योंकि जब कोई खुद कुछ नहीं कर सकता ना, तो बस वो बुरा बोल सकता है जो आप सुन रहे हैं। और अच्छी बात है कि आपको सब अब सच्चाई पता चल रही है। पहले कई बच्चे जब मुझे आके बोलते थे कि सर हमने ऐसा सुना है कि वहां पढ़ाया कम जाता है, बुराइयां ज्यादा की जाती है, तो मैं बोलता था बेटा ये क्या होता है, कहाँ का अपने को नहीं पता, अपने को तो अपने काम से मतलब रखना है। अच्छा हुआ कि आप पिछले कुछ दिनों से ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं, जिनके पास कहने को वो बोलते हैं रिजल्ट है, पर जिनके पास किसी और इंस्टीट्यूट के अलावा कुछ बोलने के लिए नहीं है। सोचिए जो यूट्यूब पे ऐसा बोल रहा है, वो क्लासरूम में क्या करता होगा, वो आपके सामने है। और कोई इंसान जब किसी को कुछ बोल रहा होता ना, तो वो नहीं बोल रहा होता किसी और के बारे में, मैं क्या कर रहा हूं ये मैं जानता हूं। कोई इंसान किसी के लिए जब कुछ बोलता है, तो वो खुद वो सब कर रहा होता है, इसलिए वो बोल सकता है। तो आज आपके सामने एक चेहरा आ गया, अच्छा है। मैं रुका रहा क्योंकि बहुत जल्दी वीडियो डिलीट हो जाते हैं वहां से, तो ये इतने दिनों में जो नहीं हुए, तो कम से कम अब आप सबके सामने एक सच्चाई है। तो मैं आप सब बच्चों को बोलूंगा घबराइए मत, ये जो रिजल्ट है ना जो आपको दिख रहे हैं, ये जो रैंक है, इन रैंक के हर बच्चों के इंटरव्यू जरूर सुनिए। अगर नहीं सुने और सुन लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। किसी ने 6 महीने, किसी ने 8 महीने, किसी ने 10 महीने, किसी ने 12 महीने में पढ़ के रिजल्ट दिया। कुछ बच्चे केवल टेस्ट सीरीज के हैं, कुछ बच्चों ने मैजिकल कोर्स के थ्रू रिजल्ट दिया है, कुछ बच्चे क्लासरूम के हैं, ऑनलाइन वाले हैं। ये है असली जो रिजल्ट है, और ये रिजल्ट अपने आप में सब बोल रहा है। आज किसी भी एनआईटी में अगर हम चले जाएं, या आप जब जाओगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लगभग लगभग हर बच्चा इम्पिटस गुरुकुल से कहीं ना कहीं पढ़ा है और जुड़ा हुआ है। और शायद यही किसी की तकलीफ हो सकती है, नहीं तो कोई को जरूरत नहीं होती कि अपनी अवार्ड सेरेमनी में इम्पिटस के बारे में बात करने की। तो एनीवे, तो अब मैं बात करता हूं, हमारे पास 5 तरह के ऑप्शंस हैं। नंबर 1, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस महीने क्या करें, और अगर आपने पिछले महीने सेल्फ स्टडी प्लान सुना था तो उस प्लान के साथ इस महीने क्या करना है वो बताऊंगा। टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्स, क्लासरूम कोर्स, पेनड्राइव कोर्स, किस कोर्स से कब जुड़े सब बताता हूं। सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को डिसिप्लिन और रेगुलर रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सेल्फ स्टडी में। कई बार हम सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन नहीं रखते, मैंने पिछले बार भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि आपको जो सबसे मुद्दे की चीज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन को रखना। अगर वो रख रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से भी काम हो जाएगा। और एक और बात याद रखिए, इस पूरे सेशन का एक ही पर्पज है, चाहे आप इम्पिटस ज्वाइन करें ना करें, कहीं पे भी करें, जहां आपको पढ़ के अच्छा लगता है वहां करें, पर खुली आंखों से सब कुछ देखें, समझें और फिर डिसीजन लें कि क्या करना है। तो सबसे पहले इस मंथ का आप लोगों को टारगेट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। लास्ट मंथ मैंने बोला था एलजेब्रा। अब जो बच्चे बिल्कुल आज ही से ये सेशन सुन के स्टार्ट करने वाले हैं, उनको दो एंड पे पढ़ाई करनी है। दो एंड ऐसे कि एक एंड पे वो पढ़ेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री और एक एंड पर एलजेब्रा। 4 घंटे अगर रेशो को ध्यान रखें कि लगभग 3 से 4 घंटे ट्रिग्नोमेट्री को दें और 2 घंटे एलजेब्रा को देके नेक्स्ट 2 मंथ में यानी अक्टूबर और नवंबर में एलजेब्रा खत्म करें। तो अभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। अब ये पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करना है और अपनी कमांडिंग और अपने स्किल देखना हो तो आप केवल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि इम्पिटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज का मतलब है, टेस्ट सीरीज का मतलब है अपने आप में कि ऐसी टेस्ट सीरीज जो शायद किसी का रेगुलर कोर्स नहीं होता, वैसी इम्पिटस की टेस्ट सीरीज है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर्स इंक्लूडिंग वीकली प्लान, पहले टॉपिक वाइज टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट, फिर बाद में फुल लेंथ और मॉक टेस्ट। तो इस तरह से आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं। कई बच्चों ने बोला मुझे कि सर जो आपके कोर्सेज हैं उनकी डिटेल बताओ, इसलिए मैं आज आपको बताता चलूंगा। तो जब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज कोर्स की, तो टेस्ट सीरीज कोर्स में आपके साथ स्टडी मटेरियल होता है, फिर वीकली टेस्ट टॉपिक वाइज होते हैं, अभी उनका लाइव एनालिसिस भी होता है। यानी ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज लिया आपने तो आपको कोई दिक्कत होगी, आप रेगुलर लाइव भी जुड़ जाएंगे और हर हफ्ते क्या पढ़ना है वो पता रहेगा। और सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूं पूरा मंथली प्लान। हम आज जैसे आज मैंने बताया, अगला प्लान मैं नवंबर में बताऊंगा।
आप इसी ढंग से पढ़ें और फिर टेस्ट देते चलें। अब बात आती है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट अच्छे होते हैं, कई ऐसे होते हैं कंसेप्ट वीक होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट वीक हैं तो क्या करें? तो कंसेप्ट वीक होने के केस में आप दो चीजों का दो काम कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाएं या पेन ड्राइव कोर्स से जुड़ जाएं। पेन ड्राइव कोर्स इंपिटस ने 19 में स्टार्ट किया था और उसके बाद से जो रिजल्ट है और ऑनलाइन कोर्स के वो सब आपके सामने है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इंपिटस को बोलना नहीं होता, आज हजारों वीडियो पढ़े देख लीजिए, सब दिख रहा होता है। तो आप ऑनलाइन कोर्स या पेन ड्राइव कोर्स से जुड़ सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट नहीं बन पा रहा या आपके डाउट क्लियर, क्योंकि सेल्फ स्टडी के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं। अगर ये चैलेंजेस आ रहे हैं और डिसिप्लिन नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा देर मत करिए। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जो भी करना है स्ट्रांग बिलीव और रेगुलरिटी के साथ करना है। तो आप पेन ड्राइव कोर्स से अगर जुड़ते हैं तो पेन ड्राइव कोर्स क्या बताता हूं, इस पेन ड्राइव कोर्स में कंप्लीट टॉपिक्स हैं और इसके अलावा ये पेन ड्राइव कोर्स भी आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज से जोड़ता है। यानी पेन ड्राइव से किस ऑर्डर में टॉपिक पढ़ना है वो, और उसके हिसाब से आपको रेगुलर मटेरियल मिलेगा। मटेरियल एक बार में नहीं मिलेगा, एवरी डे आपको मिलेगा, और साथ में संडे को लाइव टेस्ट होंगे और टेस्ट होने के बाद मंडे को उनका लाइव एनालिसिस होगा। टेस्ट सीरीज वाले वो पेन ड्राइव कोर्स में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, आप कंप्यूटर में डाउनलोड करके देख लेते हैं, पर आप रेगुलर हर वीक 1, 2, 3 लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं जो टेस्ट पेपर्स की होती है। फिर बात आती है कि आप पेन ड्राइव कोर्स के साथ लाइव क्लास की क्या जरूरत होती है, कुछ बच्चे कॉम्बिनेशन भी लेते हैं। तो लाइव क्लास का मतलब है रेगुलर क्लास, मॉर्निंग और इवनिंग दो क्लासेस होती है, इसके अलावा संडे टेस्ट होता है। हर टॉपिक को बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाता है, इसीलिए दो क्लास रखी है, क्योंकि एक क्लास अगर लेंगे तो सिलेबस तो हो जाएगा पर सिलेबस को उतने बेसिक से एडवांस लेवल तक नहीं लेके जा सकते, इसलिए एवरी डे हम लोगों ने दो क्लासेस रखी हैं। तो अगर आप लाइव क्लास से जुड़ते हो तो एवरी डे आप दो क्लास अटेंड करते हो, संडे टेस्ट देते हो। 5 अक्टूबर से हम लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहें तो आप 5 अक्टूबर से लाइव क्लास को। अब बात आती है कि क्लासरूम, कि सर आपका क्लासरूम कोर्स है उसके क्या क्या एडवांटेज है, मैं आपको बताता हूं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि क्लासरूम में आने की जरूरत जब है आपको, जबकि आप घर पे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि कई बार होता है घर छोटा होता है या घर में डिस्टर्बेंस बहुत होता है, इस केस में आप क्लासरूम कोर्स के लिए आ सकते हैं। क्लासरूम में जब आप आएंगे तो यहां पर भी इसी तरह से क्लासेस होंगी और सेल्फ स्टडी सेशन रहेंगे। और सबसे खास बात मैं आपको ये बोलूंगा, भले ही अभी हमारे पास, और यही काम 23-24 वालों को करना है, पर 22 वालों को कम से कम 6 साल रेगुलर पढ़ाई करनी है। 23 और 24 वालों को मैं बोलूंगा कि अगर आप अभी 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं तो सफिशियंट है। तो इस तरह से आप 8 महीने में 9 महीने में भी एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और ऑलरेडी ढेरों बच्चों ने दिया है। तो क्या हुआ है, आप इस बात को समझ गए होंगे कि एक भ्रम, एक झूठ, क्योंकि क्या होता है झूठ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, कितना झूठ कोई बोल सकता है तो आपने देख ही लिया, पर झूठ बोलते जाओ तो कई बार दिक्कत होती। अब ये झूठ बोला जा रहा हो या ये बताया जा रहा हो कि जब तक आप 1.5 साल से 2 साल तक एक हॉल में कंटिन्यूसली 10 बुक के क्वेश्चन याद नहीं करोगे, जब तक रैंक नहीं आएगी, तो फिर एक ऐसा भ्रम है। और अब यहां पे इम्पिटस के रिजल्ट देख के कोई भी ये सोच सकता है कि नहीं, ये बच्चे तो 6-6, 8-8, 10-10 महीने में रिजल्ट दे रहे हैं और वो भी कंसेप्ट बना के पढ़ के दे रहे हैं, तो ये दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब कभी आप किसी दो रिजल्ट को कंपेयर करो तो हमेशा ये देखो कि उनकी ड्यूरेशन और उनकी अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इम्पिटस का, कि इम्पिटस केवल इसलिए जाना जाता है कि वो कैसे पढ़ाता है आपको, कंसेप्ट बनाए गए, कंसेप्ट बनते हैं आपके यहां पर, आप कुछ सीखते हो, आप डेवलप करते हो और साथ में दूसरों को भी सिखाते हो और कम समय में रिजल्ट दे सकते हो। तो आप सब बच्चे जो कि 22 में एग्जाम देने वाले हैं, घबराइए मत, अभी सफिशियंट टाइम है। आप सेल्फ स्टडी करना चाहें या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहें, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो 5 अक्टूबर के बैच को आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें रेगुलर क्लासेस होंगी। और ज्वाइन करने के लिए आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इम्पिटस गुरुकुल की वेबसाइट का एड्रेस और लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, बट मैं आप सबको एक बात बोलूंगा कि अगर आपने ठान लिया कि करना है तो डरिए मत, इस कम समय में भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।